नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जल्द शुरू होगा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण। तो जेवर एयरपोर्ट के बारे में एक ताज़ा तरीन खबर लेकर फिर से हाजिर है आपका दोस्त मास्टर चंद्रवीर सिंह नीलू। तो दोस्तों, एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी को सौंपा गया कंडीशनल लेटर, NBT ब्यूरो लखनऊ की ये खबर है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू। तो दोस्तों, जल्द अब निर्माण कार्य शुरू होने वाला है जेवर एयरपोर्ट का। चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है। उससे पहले मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी को सौंपा गया कंडीशनल लेटर, NPT न्यूरो ब्यूरो लखनऊ जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को सोमवार को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए औपचारिक कंडीशनल लेटर ऑफ अवार्ड सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उनके सरकारी आवास पर हुए कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव RK तिवारी ने कंपनी के CEO डेनियल वर्चर को लेटर सौंपा। CM ने आशा जताई कि एयरपोर्ट का निर्माण समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परियोजना के विकासकर्ताओं को हर संभव मदद दी जाएगी। राज्य सरकार की योजना जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान 2023-24 में शुरू करने की है। इस परियोजना का साइट क्लियरेंस 6 जुलाई 2017 को दिया गया था। वहीं 9 मई 2018 को नागर विमानन मंत्रालय ने सैद्धांतिक अनुमति मिल गई थी। प्रमुख सचिव नागरिक उड्डयन SP गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के मार्गदर्शन में भूमि अधिग्रहण और बिडिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस मौके पर नागरिक उड्डयन विभाग के विशेष सचिव और नागरिक उड्डयन निदेशक सूर्यपाल गंगवार, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह और नोएडा एयरपोर्ट के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगी और जो लोग ज़मीन वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, वो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ, 70 170 97 125। तो जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं अगले वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।